नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बाहर होंगे। अनुशासन समिति की बैठक में कांग्रेस का ये बड़ा फैसला हुआ है। न्यासी वितरगातियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, भीतरघात किया है, उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। 10 दिन के बाद फिर अनुशासन समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें, इससे पहले जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेसियों की वजह से ही वो हारे हैं, जिसके बाद से कार्रवाई की बात कही गई थी। लगभग पूरे प्रदेश से 150 शिकायतें लगभग मोटे तौर पे अनुशासन समिति को प्राप्त हुई थी, जिन पे पिछले 3 दिनों में गहन अध्ययन और आपसी चर्चा के बाद तमाम सारे नोट्स बने हैं। निष्कर्ष अभी निकाला नहीं गया है। इतना जरूर हुआ है कि लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा एक्शन सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है अब 10 दिन बाद फिर से अनुशासन समिति की बैठक होगी। लेकिन क्या कुछ इस बैठक में हुआ, जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का बड़ा एक्शन। विवेक, जाहिर है, और इस लोकसभा चुनाव से पहले जो भी भीतरघाती उन्हें चिन्हित करना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल, 6 जनवरी को एक बैठक हुई थी कांग्रेस में, और इसमें सभी विधानसभा के प्रत्याशियों को बुलाया गया था, और अधिकांश प्रत्याशियों ने ये कहा था कि भीतरघात सबसे ज्यादा हुआ है, इसी से वो चुनाव हारे हैं। यहाँ तक की बात निकल के आई कि कई बड़े नेताओं ने सांप पाले हुए हैं और उन सांप के सामने कोई बात नहीं कही जा सकती है। तो ठीक इसी बात को लेकर जीतू पटवारी ने और मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने ये कहा था कि अनुशासन समिति उन तमाम नामों पर विचार करेगी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है और पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी है वो हारे हैं। और ठीक इसी लिहाज से अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। आज इस बैठक में तमाम सभी समिति के नेता तमाम मौजूद थे, और करीब इसमें 200 से अधिक नाम थे, लेकिन करीब 80 के लगभग नाम तय कर लिए गए हैं। फिलहाल इन्हें कितने सालों के लिए निष्कासित किया जाए और क्या इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसका फैसला 10 दिन के बाद होगा। लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि कई बड़े नेताओं की कार्यकर्ता और समर्थक है जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर पार्टी भले ही निकाल देती है, लेकिन समर्थक अपने नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी कि भीतरघात की आशंका बनी रहेगी। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करीब 150 से अधिक जो शिकायतें आई हैं, उनमें छटनी किस स्तर पर की जा रही है कि क्या उसकी भूमिका हो सकती है। छानबीन समिति के साथ साथ अनुशासन समिति की भी बैठक इसी लिहाज से की जा रही है कि संभवतः उन तमाम नामों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ थे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो संभवतः उन लोगों पर कार्रवाई हो जो पहले कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, और उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की बात सामने आ रही है, और न केवल इससे आने वाले समय में भी कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि बाकियों को भी इससे सबक मिलेगा।